पहले क्या था ना, सावन का महीना आता था ना तो पूरे गांव में सबके घर रामचरितमानस का पाठ होता था। सही कहा, पूरे गांव में सार्वजनिक रामचरितमानस को पार्टी। यार सावन आ गया, देखने वालों में से कितने लोगों ने रामचरितमानस का पाठ सुना है? पढ़ा तो बहुत दूर की बात, सुना भी नहीं। आजकल क्या है कि समय मिला तो पार्टी करने चले गए, किटी पार्टी, फलानी पार्टी, ये है ना, मॉलों में चले गए, वार में चले गए और ना जाने क्लबों में चले गए। पहले के लोग क्या करते थे, साथ में बैठ के ना रामचरितमानस का पाठ करते, फिर उसमें ना राम जी के बारे में डिस्कस करते, रावण के बारे में डिस्कस करते, है ना, और शबरी के बारे में डिस्कस करते, आत्मचिंतन करते, आज तुमने क्या सीखा, आज तुमने क्या पाया, बच्चों से पूछते थे। सही, बेटा बताओ रावण ने सीता माँ को क्यों चुराया, बेटा बताओ शबरी ने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि राम घर चले गए शबरी के। तो बच्चे ना दिमाग लगाते थे कि क्या क्या, वो पढ़ते थे, वो पढ़ते थे। सही कहा, वो इसका आंसर ढूंढने के लिए